मलीर जेल, ये है हमारी आज की मंजिल। इस जेल का नाम अब इस्लाहखाना हो चुका है और इस बुलंद दरवाजे के पीछे की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह जिस तेजी से बढ़ रही है, हम सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। भयानक तरीन जराइम गुर्बत से ही जन्म लेते हैं और इस वक्त भी गुर्बत और जराइम साथ साथ चल रहे हैं। इन हालात में जराइम का खात्मा करने के लिए जुर्म करने वालों को सुधरने का मौका देना यकीनन नेकी है। ऐसी ही नेकी की इब्तिदा की गई है मलीर जेल में, जहां इंतजामिया इस यकीन के साथ काम कर रही है कि ये जेल नहीं इस्लाहखाना है और यहां से सजा पूरी करके निकलने वाला हर शख्स मुआशरे का जिम्मेदार फर्द जरूर बनेगा। यहाँ पे ज़्यादा कैदी होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मसाइल मैंने, जैसे मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने देखे, लेकिन उसी दौरान एक गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई हुई थी, ओवरसाइट कमेटी, जो कैदियों के और जो स्टाफ के मसाइल देखती थी। तो मैं जैसे ही आया तो मुझे यहाँ पे डॉक्टर फरहान कमेटी के चेयरमैन थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैं उनसे ये कहा कि कुछ हम बेहतर करना चाहते हैं इस जेल में, क्योंकि गवर्नमेंट के वसाइल जितने हैं वो तो हम बरोकर ला रहे थे, लेकिन कुछ हमें उससे ज़्यादा ही करना था। तो इसलिए हमने मिलके यहाँ काम किया, ख़ास तौर के रमज़ान में हमने बहुत काम किया यहाँ पे कैदियों के लिए। उनके जो कैदियों के मसाइल थे वो ज़्यादातर थे यहाँ रहाइश के, पानी के और ठंडी हवा का और ठंडे पानी का जो था, वो तो हमने डॉक्टर फरहान से जैसे ही मैंने कहा, उन्होंने हमारी हेल्प की कि बाहर से मुखैर हजरात को भी ले आए और ख़ुद भी अपने तौर पे उन्होंने हमें यहाँ पे 100 फैंस प्रोवाइड किए जो हमने कैदियों को लगाए, उनको हवा, ठंडी हवा का माहौल दिया हमने। तो हम अगर चाहते थे कि कैदियों को ऐसा माहौल दें ताकि वो बाहर जाके भी मुआशरे में भी अच्छे इंसान बने। पहले कैदियों के आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, अपने आपस में जो मंशात का वो बाहर से लेकर आता था किसी भी तरीके से, नाजायज़ तरीके से, वो कुछ हमारे पास कम हुई है, क्योंकि हम उनको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुआशरे में जाके अच्छे इंसान बने। यहाँ पे हमने साइकोट्रिस्ट वार्ड भी बनाया है, वहाँ पे उनके जो और मंशात वाले जो बाहर से आते हैं हम उनको सेपरेट रखते हैं। पहले से तो बाहर से जो आते हैं वो जिस पोजीशन में आते हैं तो वो आपको बाहर भी देखते होंगे कि वो हीरोइन चीज की क्या पोजीशन होती है, लेकिन हम उनको बेहतर से बेहतर कोशिश करके यहाँ बना के बाहर भेजते हैं। अब बाहर ये जाके फिर वो माशरे उसी में जाते हैं, तो वो अगर सुधर जाते हैं बाहर तो वो उनकी एक अच्छी खसलत होगी, वरना वो माशरे में तो उसी में जा रहे हैं। लेकिन हम जेल के हवाले से कोशिश करते हैं कि उनका, उनको अच्छा इंसान बना के बाहर भेजें। तो उसके अलावा हमारे पास टेलरिंग का भी है, टेलरिंग का भी एक शोबा है, वहाँ पे कैदी जो सिलाई कढ़ाई करते हैं उनको उनकी पेमेंट की जाती है। वो कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो बाहर भी भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, अपने वालदेन को भेजते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो यहाँ खर्च कर लेते हैं, अपने ऊपर कर लेते हैं। उसके अलावा वाइंडिंग का काम होता है यहाँ पे, ये मोटर वाइंडिंग है, टीवी का काम है और टेलरिंग का काम यहाँ पे ये है। ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद थी लेकिन हमने उनको बेहतर बनाने की कोशिश की है। जेल से मैगजीन का इजरा बेहद खुशगुन बात है। एक 2014 में हमारे जो आईजी साहब हैं उनके एक हमें आइडिया दिया कि हम जेल से कोई एक रिसाला निकालें, तो वो हमने नुसरत मंगन साहब के उस पर लबेक कहा और अपनी कोशिश से, अपनी कावशों से हमने एक ये मैगज़ीन बनाया, ये मैगज़ीन निकाला। लेकिन ये कंटिन्यू इसलिए हुआ कि मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया था, मैं फिर कंटिन्यू नहीं रख सका। अब दोबारा मैं पोस्टिंग कराची में हुई है तो मैं एक और ये रिसाला, अभी मैगज़ीन इंशाल्लाह इसी महीने में आपके हाथों में आ जाएगा, मैं आपको भी दे दूँगा। ये चीज़ें हम दे रहे हैं कि ये इसमें सारी तहरीरें ये कैदियों की हैं, इसमें जितनी भी तहरीरें कैदियों की हैं और इसमें एडिटर भी कैदी हैं और इस कंपोजिंग करने वाले भी कैदी हैं, इसको एडिट करने वाले भी कैदी हैं, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं लेकिन मेरा स्टाफ यही है। कैद तो कैद ही है लेकिन जीने की आरजू भी बड़ी बात है।
मलीर जेल में कायम अस्पताल की सूरत हाल जानने के लिए हम जनरल वार्ड गए। ये हमारा 30 बेडेड हॉस्पिटल है और इसके अलावा हमारा एक छोटा सेक्शन ऑर्थोपेडिक और साइकियाट्री का वो अलग है। इसमें जो है मुख्तलिफ अमराज के पेशेंट हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हार्ट के हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, उनको हम रेफ़र करते हैं। इंतज़ामिया मरीजों को NICVD और सिविल अस्पताल समेत जिस जगह ज़रूरत होती है इलाज के लिए भेजती है। हमारे को हार्ट का भी ये था, हार्ट का प्रॉब्लम था, एंजियोप्लास्टी के हमारे को बाहर अस्पताल में इन लोग रहा। अच्छा, बाहर अस्पताल लेके गए थे आप? हाँ, एक दफ़ा नहीं, 3-4 दफ़ा लेके गए हमको। मुझे मेरा हेपेटाइटिस सी हो गया था करीबन 13 माह पहले, फिर इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने बाहर भेजा सिविल, 3-4 दफ़ा सिविल गया हूँ, उधर उन्होंने इलाज किया। ये टांगे कपूरे वगैरह मेरे बहुत सूज गए थे, पेट में तकरीबन 7-7.5 लीटर पानी भर गया था, तो वक्ती तौर पे वो मेडिसिन उन्होंने दी है, वो इधर से भी डॉक्टर साहब दे रहे हैं, देखभाल अच्छी कर रहे हैं। यहाँ TB और HIV एड्स जैसी बीमारियाँ आम हैं। जो है शेर बहादुर हमारे पास जो है पिछले 1 महीने से जो है दाखिल हैं, और इससे पहले हमारा जो बैरक है HIV वाली, उसमें ये तकरीबन 5-6 महीने से थे। ये इन्होंने बहुत लंबे अरसे जो है ना वो नशा किया है, तकरीबन 13-14 साल। अब इनका मुश्किल से मेरे हिसाब से कोई 38 से 40 किलो वजन है, जवान ये मर्द हैं, सही है। और अब यहाँ पे इनके पहले HIV डायग्नोस हुआ था, उसके बाद इनके मजीद टेस्ट कराएं तो इनका जो है वो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो भी डायग्नोस हो गया है। इस किस्म के जो केसेस हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि इनको जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर कोई छोटा अगर कोई केस है तो इनको ये अगर ये बरी हो जाए या इनको कोई जो इनकी वो बेल हो जाए तो ये फिर जाके बाहर बेहतर इलाज करा लें। ये है मलीर जेल का लंगर खाना या बावर्ची खाना। यहाँ क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। साफ सुथरे किचन में लाल आटे की रोटी और मजेदार सालन की खुशबू आपको खुशामदीद कहती है। एक दिन में 25,000 रोटियां यहाँ का मामूल है। सुबह नाश्ते में हम जो है ना 5,000 रोटी बनाते हैं। 5,000 रोटी, और खाने में कितनी बनती है? ये खाने में एक टाइम में 10,000 रोटी बनती है एक टाइम, और फिर शाम में 10,000। 25,000 रोटियां रोजाना? जी 25,000 रोजाना बन जाते हैं। पका रहे हैं ये लोग कौन है? ये हमारे पास ये कैदी लोग ही हैं, ये इनको हम लेकर आते हैं, इनको तनख्वाह वगैरह देते हैं हम, रोज़ का भी मिलता है, और कोई बंदा एक दिन आता है उसको भी मिलता है, अगर वो 15 दिन आता है 15 दिन का मिलता है, महीना करता है महीने के हिसाब से उसको। हम आपको दर्जी खाने ले जाते हैं जहां कैदी कपड़े सी भी रहे हैं और कुछ लोग ये काम सीख भी रहे हैं, और इस काम का उन्हें बाकायदा मुआवजा भी अदा किया जाता है। मुख्तलिफ मार्केटों से जाके इनके लिए लेके आते हैं ये काम, सुबह ये 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये लोग मुसलसल काम करते हैं, और उसकी इनको पेमेंट मिलती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये लोग यहाँ से काम सीख के, और जिनको थोड़ा बहुत कुछ आता है वो चेंज होकर यहाँ से बाहर जाते हैं। आपको ये काम पहले ही आता था या आप सीख रहे हैं? देखो मैं तो पहले में जो आता था, लेकिन यहाँ पर आधे से ज़्यादा बंदे ऐसे जो यहाँ पर ट्रेन होते हैं जो यहीं काम सीखते हैं। जी, इस काम के आपको पैसे मिलते हैं? पैसे मिलते हैं, थोड़ा बहुत पहले आता था, बाकी जो नहीं आता था कुछ इधर ही थी हम लोगों ने। जी अच्छा। जी, तो अब यहाँ से बाहर जाएंगे तो यही काम करेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल यही काम करेंगे, बाहर जाके अभी यही काम करेंगे इंशाल्लाह। बाहर की दुनिया में वापसी पर ये हुनर एक बाइज्जत रोजगार का वसीला बन सकता है। Thank you.
जगह ऐसी भी है जो हमा वक्त तवज्जो तलब है और वो है मनशियात के आदि अफराद की बैरिक्स। इलाज के बाद इन अफराद की सेहत बेहतर भी होती है और कुछ काम भी करना शुरू करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं वही पुराना माहौल इनको अपनी गिरफ्त में ले लेता है और ये दोबारा नशे के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इल्म की जुस्तजू किस तरह लोगों में नई जिंदगी पैदा करती है ये हमने यहाँ देखा। बोर्ड पर आपके पीछे ये कुछ स्टोरीज लगी हुई हैं, ये क्या कैसी स्टोरीज हैं? ये सक्सेस स्टोरीज हैं। जो भी स्टूडेंट्स एक कोर्स कंप्लीट करता है वो एक सक्सेस स्टोरी लिखता है कि उसमें क्या चेंजिंग आई। वो हमारे ये कोर्सेज हैं ये चेंज करते हैं बिहेवियर को, हमारे कन्फर्म को चेंज करते हैं। पहले हम शुरू में जेल में आते हैं हम बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं, उदास होते हैं, तो ये कोर्स करने से वो उदासी ख़त्म होती है। जैसे ये हमारा कोर्स है कम्युनिकेशन का, सबसे पहले ये कोर्स करवाया जाता है, इसमें लिखा हुआ है इसने ये कोर्स किया तो इसमें क्या चेंजिंग आई और इसने ये लिखा है बंदे ने। फिर लर्निंग हाउ टू लर्न का ये उसका कोर्स है, ये भी जब इसने किया तो इसने ये लिखा कि मुझ में इस करने पहले में क्या था और बाद में क्या हुआ। इसी तरीके से फिर ये है द वे टू हैप्पीनेस कोर्स, जिसने भी ये 4 स्टेप कम्प्लीट किए वो दोबारा कभी भी नहीं आए और उसने जराइम की तरफ सोचा भी नहीं है। इल्म की रोशनी किस तरह गफलत और जहालत के अंधेरे खत्म करती है ये देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आर्ट का काम होता है, टीचर आते हैं बाहर से भी आते हैं और यहाँ भी अपने कैदी हैं वो भी जो हैं जो सीख जाते हैं वो फिर दूसरों को सिखाते हैं। हमारे यहाँ ये प्रोग्राम है, होता है कि ये इनकी एग्जीबिशन भी लगती है, फिर वो जो पैसे आते हैं वो हम कैदी को देते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात एक भारतीय माहिगीर से भी हुई। जी हमारा नाम यम भास्कर राव है और मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी हम लोग मछली पकड़ रहे थे, वैसा पानी का करंट के वजह से इस साइड आ गए थे, बॉर्डर क्रॉस हो गए थे। जी हमारा 2 महीने के ऊपर हो चुका है यहाँ पर। यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ के पब्लिक गवर्नमेंट हर कोई हर चीज़ के हमारा हेल्प करते हैं। खाना पीना अच्छा मिलता है, दवाई भी हर टाइम में कभी भी आओ हमारे लिए HP खुला रहता है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। पानी की फराहमी मलीर जेल में हमेशा बड़ा मसला रही है। इंतजामिया ने मुखय्यर हजरात और रोटरी क्लब की मदद से निकाल दिया और अब यहाँ RO प्लांट के साथ सोलर प्लांट भी मौजूद है। कैदियों के लिए जामा मस्जिद बाबुल इस्लाम के अलावा इमाम बारगाह भी मौजूद है। हर जेल के ऊपर एक ओवरसाइट कमेटी है जिसका एक कन्वीनर होते हैं और फिर उसके मेम्बरान हैं, तो मुझे जो है वो कन्वीनर बनाया गया मलीलांडी जेल का। तो इसका बेसिकली मकसद ये था कि जो जेल मैनुअल है वो प्रॉपरली फंक्शनल है कि नहीं है प्रिजन्स के अंदर, और जो कैदी हैं उनका ख्याल जो है जो प्रॉपर ह्यूमन राइट्स के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जस्टिस हेल्पलाइन गुज़श्ता 20 से 25 साल से मलीर जेल, सेंट्रल जेल और पूरे पाकिस्तान में कैदियों के रिफॉर्म्स के लिए काम कर रही है। जब हम आए तो 5,500 के करीब कैदी थे, हमने तकरीबन 400 से 500 कैदियों के लिए उनके जो भी अयानत कर सके, उनके फ़ाइन भर सके, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर ने हमसे बहुत कोऑपरेट किया। हमने बड़े पैमाने में इनकी जमानतें, इनकी छोटियाँ जमा कराई। आज भी पाकिस्तान का ये तारीखी जेल है जहाँ गुंजाइश 1700 से 1800 है, लेकिन इस वक्त आज की तादाद 4804 है जो इस वक्त कैदी मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के उन फिलेंथ्रोपिस्ट को, उन समाजी लोगों ने जो हमें सपोर्ट की है, जेल के कैदियों के लिए आवाज़ उठाई है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। शिकायतें आती हैं, लोगों को मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास सैकड़ों कंप्लेंट्स भी आती है, लेकिन साथ साथ उसका अजाला भी होता है। 4 बरस से कैद नाइजीरिया के अकीना
और दो कैदियों की रिहाई का इंतजाम भी जस्टिस हेल्पलाइन और डॉक्टर फरहान ईसा की टीम ने मिलकर किया। Bismillahirrahmanirrahim. I'm very, very happy. I'm very, very happy. I'm so much happy. Maybe as you are watching at me, as you are looking at me, is a tear of joy. जो फॉरेन प्रिजनर्स हैं उनके साथ भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो जो यहाँ की जो जेल इंतज़ामिया के साथ जो है उनका भी वही बर्ताव कर रहे हो रहा है जो पाकिस्तानी के साथ जो रेगुलर हैं उनके साथ किया जाता है। वापसी का सफ़र इस कड़वे सच के साथ तय हुआ कि पाकिस्तान की तमाम जेलों में यकीनन ऐसे हालात नहीं। हकायक बहुत तल्ख हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आगाज़ तो करना होगा। अभी रोशनी की ये किरण मध्यम ज़रूर है, लेकिन अगर इसी तरह कोशिश जारी रही तो उजाला ज़रूर होगा। تاریخی اور جغرافیائی حالات و واقعات پر مبنی حقیقی ڈاکیومنٹریز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل کھلا سچ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔